हेलो गाइस, तो कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया मजे में और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होगे और अच्छे से ले रहे होगे। सो गाइस, आ गए हैं हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। उससे पहले हम देते चले अपना इंट्रो। तो मैं हूँ बशीर और ये है वजाहत। यार आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है, ठीक है, रिक्वेस्ट की गई है भाई हमें कि आप कंपैरिजन वीडियो तैयार करो इसकी। तो कंपैरिजन वीडियो है जी इंडियन रशियन 2 वर्सेस यूएस प्रीडेटर ड्रोन की। तो ठीक है, ये अनबेस्ड रिव्यू हम इसके बारे में देंगे, जो होगा वो हम बोलेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मतलब कौन सा ड्रोन अच्छा है ज्यादा, कौन सा वेल मतलब लेटेस्ट है। हाँ, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो तो यार इसको मस्ट सब्सक्राइब करो। यार इतने लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख के चले जाते हैं, इट्स नॉट फेयर। कर लो यार, कर लो प्लीज। हाँ, तो शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद देंगे अपना रिव्यू। सो चले लगाते हैं टूटियां काउंटडाउन के साथ। चल आज कर लेते अपनी तहजीब दोबारा दोहराते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में DRDO ने रुस्तम 2 के उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक आयोजित किया है और ऐसा माना जा रहा है कि रुस्तम 2 अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तरह ही एक एडवांस ड्रोन है। लेकिन क्या वाकई में रुस्तम 2 में अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन की तरह ही ऐसी कोई कैपेबिलिटीज मौजूद हैं या नहीं, तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि रुस्तम 2 और अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन MQ-1 एक दूसरे से कितने अलग हैं और दोनों में कितनी समानताएं हैं। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स बिगिन। यार ये म्यूजिक मजा आ जाता है, ये लोग इतने मजे का डालते हैं। रुस्तम 2 और प्रेडेटर MQ-1 ये दोनों ही मीडियम एल्टीट्यूड के लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हैं और डिजाइन के मामले में भी ये दोनों लगभग एक समान ही दिखाई देते हैं। रुस्तम 2 को भारत में ही DRDO एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है और इसके पहले सफल उड़ान को 15 नवंबर 2016 में आयोजित किया गया था। लेकिन कुछ सोर्सेस का कहना है कि रुस्तम 2 के उड़ान परीक्षणों को 2014 से ही शुरू कर दिया गया था और जबकि प्रीडेटर MQ-1 को अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने विकसित किया है और इसकी पहली सफल उड़ान को 3 जुलाई 1994 में आयोजित किया गया था। हालांकि रुस्तम 2 के उड़ान परीक्षण अभी भी चल रहे हैं और जबकि प्रीडेटर MQ-1 को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में 1995 में शामिल कर लिया गया था। अगर स्पेसिफिकेशंस के मामले में भी देखा जाए तो रुस्तम 2 और प्रीडेटर MQ-1 में ज्यादा फर्क नहीं है। रुस्तम 2 और प्रीडेटर MQ-1 ये दोनों ही करीब 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। रुस्तम 2 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है और जबकि प्रीडेटर MQ-1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। रुस्तम 2 को करीब 35,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और जबकि प्रीडेटर MQ-1 को 35,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक ही ऑपरेट किया जा सकता है। अगर बात करें इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की तो इस मामले में ये दोनों UAVs लगभग एक समान है। ये दोनों ही करीब 400 किलोग्राम तक के अलग अलग पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। अगर बात करें इनके हार्ड पॉइंट्स की तो प्रीडेटर MQ-1 में दो हार्ड पॉइंट्स हैं जो AGM-114 हेल फायर मिसाइल्स, AIM-92 स्ट्रिंगर मिसाइल्स और AGM-176 ग्रिपन मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम हैं। और जबकि फिलहाल रुस्तम 2 के ऐसे हार्ड पॉइंट्स के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक रुस्तम 2 में प्रीडेटर MQ-1 के मुकाबले में 2 से ज्यादा हार्ड पॉइंट्स लगाए जाएंगे। तो अगर स्पेसिफिकेशंस के मामले में देखा जाए तो ये दोनों UAVs एक दूसरे से स्पेसिफिकेशंस के मामले में ज्यादा अलग नहीं है और अगर इनकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस को अलग करके देखा जाए तो ये दोनों ही क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में लगभग एक समान है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक यह है कि प्रीडेटर MQ-1 का निर्माण कार्य रुस्तम 2 से कई साल पहले शुरू किया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि जब प्रीडेटर MQ-1 का निर्माण कार्य शुरू किया गया था तब उस समय की टेक्नोलॉजी आज के समय के हिसाब से काफी पीछे थी और जबकि रुस्तम 2 का निर्माण कार्य ऐसे समय पर शुरू किया गया जब टेक्नोलॉजी प्रीडेटर MQ-1 के समय से काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रुस्तम 2 में प्रीडेटर MQ-1 के मुकाबले में और ज्यादा कैपेबिलिटीज होने की पूरी संभावना है। हालांकि DRDO फिलहाल रुस्तम 2 को एक परफेक्ट स्पाई ड्रोन बनाने पर काम कर रही है
जिसका इस्तेमाल जासूसी के लिए, निगरानी के लिए और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने इस बात को स्पष्ट किया है कि रुस्तम 2 में ग्राउंड स्ट्राइक वाली सारी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में रुस्तम 2 को एक परफेक्ट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV बनाए जाने की पूरी संभावना है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यार वीडियो पसंद आई होगी। और अब आते रिव्यू की तरफ यार, अब बताऊं क्या वो बशे बीट कर रहा है यार। चलो वो यार मुझे, हाँ मुझे वो मतलब वो थोड़ा पुराना है लेकिन ये मतलब अभी बीट कर रहा है बीट क्योंकि काफी चीजें बताई है। 35,000 है वो, 25,000 है काफी है, ये उससे दो में भी ज्यादा है। इस पे मिसाइल हो सकते हैं, वो भी 400 उठा सकता है, ये भी 400 उठा सकता है। यानी मतलब के कुछ पॉइंट्स में सेम है लेकिन कुछ ज्यादातर पॉइंट्स में ना रुस्तम 2 बीट कर रहा है क्योंकि लग रहा है कि बीट कर रहा है। और अभी ये मतलब के ऑफिशियल नहीं है, क्या पता इसके बाद और भी इसमें कोई अपग्रेड्स डाल दें जो कि और इस रुस्तम 2 को बेस्ट बना दें। बिल्कुल, तो यहां पे साफ है कि भाई रुस्तम 2 बीट कर रहा है, प्रेडेटर को बीट कर दिया। हां, व्हिच इज बेटर वो कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि रुस्तम। अगर आपको कौन सा लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, क्योंकि हमें लग रहा है कि रुस्तम 2 मतलब बीट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह इसने बताया हाँ उसके लिहाज से देखा जाए तो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।